आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए सती माता के अंग जिन 51 स्थानों पर गिरे थे, उन शक्ति पीठों के नाम और स्थान के बारे में। मान्यता है कि सती माता के 51 शक्ति पीठों के दर्शन से मोक्ष की होती है प्राप्ति। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव और सती माता की कहानी तो आपने पूर्व में सुनी ही होगी, जिसमें सती माता के पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर सती माता ने खुद को समाप्त कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और वे माता के शरीर को लेकर जगह जगह गए। इसी बीच सती माता के शरीर के अंग 51 स्थानों पर गिरे, जिससे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। आइए आज हम आपको बताते हैं कि माता के कौन कौन से अंग कहां कहां गिरे और वहां कौन कौन सा शक्ति पीठ है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी, जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। देवी बाहुला एक प्रतीक माता सती का बाया हाथ अजय नदी के पास पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में गिरा था, जहां देवी बाहुला के रूप में पूजी जाती है। मंगल चंद्रिका माता की दाई कलाई पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उज्जैनी में गिरी थी। माता का मंगल चंद्रिका रूप यहाँ है। भ्रामरी देवी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का बाया पैर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गिरा था, जहां मां सती का भ्रामरी रूप पूजा जाता है। जुगाड़िया माता सती का दाएं पैर का अगूंठा पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में गिरा था। माता सती यहां जुगाड़ी रूप में विराजमान है। माता कालिका मां का बाएं पैर का अगूंठा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में गिर गया था। यहां माता को कालिका कहा जाता है। महिषमर्दिनी मां सती का भ्रूण भी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में गिरा था, इसलिए माता को यहां महिषमर्दिनी भी कहा जाता है। देवगर्भ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता सती की अस्थियां गिरी होती है, यहां देवी को देवगर्भ कहा जाता है। देवी कपालिनी मां सती की बाई एड़ी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में गिरी थी, यहां माता का कपालिनी रूप पूजा जाता है। फुल्लरा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मां सती का ओष्ठ भी मिल गया है, इस जगह माता सती की पूजा फुल्लरा रूप में की जाती है। अवंती मध्य प्रदेश के उज्जैनी में क्षिप्रा नदी तट पर माता सती का ऊपरी होंठ गिरा, यहां वे अवंती कहलाती है। नंदिनी बीरभूम पश्चिम बंगाल में माता सती का नंदिनी रूप पूजा जाता है, यह भी कहा जाता है कि यही देवी सती के गले का हार गिरा था। देवी कुमारी माता सती का दायां कंधा पश्चिम बंगाल में रत्नाकर नदी के पास गिरा था, जहां वे देवी कुमारी कहलाती है। देवी उमा मां सती का बायां कंधा स्कंद भारत और नेपाल सीमा पर गिरा था, जहां माता उमा विराजमान है। कालिका देवी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में माता सती के पैर की हड्डी गिरी थी, यहां उन्हें कालिका देवी के नाम से पूजा जाता है। विमला जी बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद जिले में माता सती की पूजा विमला नाम से की जाती है, जहां उनके माथे का मुकुट गिरा था। मां भवानी मां की दाई भुजा बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिले में चंद्रनाथ पर्वत के शिखर पर गिरी थी, यहां मां सती को भवानी कहते हैं। सुनंदा माना जाता है कि माता सती की नाक बांग्लादेश के बरिसल में गिरी थी, यहां माता का सुनहरा रूप है। देवोत्सव मां सती की बाई जांद बांग्लादेश के जयंतिया परगना में गिरी थी, जिसे देवी जयंती कहा जाता है। महालक्ष्मी देवी बांग्लादेश के जैनपुर गांव में मां सती के पार्थिव शरीर को शिव जी उठाकर ले जा रहे थे, तब माता सती का गला यहां गिरा था, यहां देवी की पूजा महालक्ष्मी के रूप में की जाती है। योगेश्वरी माना जाता है कि मां सती के हाथ और पैर बांग्लादेश के खुलना जिले में गिरे थे, यहां उन्हें यशोरेश्वरी कहा जाता है। अर्पण माता सती की बाएं पैर की पायल बांग्लादेश के भवानीपुर गांव में गिरी थी, जहां उनकी अर्पण रूप में पूजा होती है। इंद्रक्षी श्रीलंका में माता के इंद्रक्षी रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्थान पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी है। मां ललिता उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मां सती की हाथ की अंगुली प्रयाग संगम में गिरी थी, यहां माता सती को ललिता रूप में पूजा जाता है। मनकरनी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां को विशालाक्षी या मनकरनी नाम से पूजा जाता है, क्योंकि वहां उनकी कान की मणि गिरी थी। देवी शिवानी एक पौराणिक कहानी कहती है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट रामगिरी में मां सती का दाया वक्ष गिर गया था, यहां देवी शिवानी का नाम है।
चूड़ामणी एक खनिज उत्तर प्रदेश के वृंदावन में माँ सती के केश की चूड़ामणी मिली, जहाँ माता सती को उमा कहा जाता है। श्रावणी तमिलनाडु के भद्रकाली मंदिर में माँ सती की पीठ गिरी, यहाँ उन्हें श्रावणी कहा जाता है। सावित्री एक देवी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माँ सती की एड़ी गिरी, इस जगह माता का सावित्री रूप विराजमान है। देवी गायत्री राजस्थान के अजमेर में माँ सती को गायत्री पर्वत पर पूजा जाता है, जहाँ उनकी कलाई गिरी थी। माँ काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक में माँ सती का बाया नितम गिरा था, यहाँ काली पूजा जाती है। देवी नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में माँ सती का दाया नितम नर्मदा नदी तट पर गिरा था, यहाँ देवी को नर्मदा कहा जाता है। देवी नारायणी पौराणिक कथाओं के अनुसार तमिलनाडु के कन्याकुमारी एवं तिरुवंतपुरम मार्ग पर माँ सती की ऊपरी दाह गिरी थी, यह देवी का नारायणी रूप है। वाराही उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित इस मंदिर में माता सती की निचली दाह गिरी थी, यहाँ देवी की वाराही रूप में पूजा जाता है। श्री सुंदरी आंध्र प्रदेश के कुरनूल श्री शैलम में माँ सती का दाएं पैर की पायल गिरी होती है, जहाँ वे श्री सुंदरी नाम से पूजी जाती है। चंद्रभागा भगवान शिव ने माता सती का पार्थिव शरीर उठाते समय सोमनाथ मंदिर के पास गुजरात के जूनागढ़ जिले में माँ का आमाशय गिरा था, यहाँ देवी को चंद्रभागा कहा जाता है। भ्रामरी देवी एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ सती की ठोड़ी गोदावरी घाटी में महाराष्ट्र के नासिक में गिरी थी, माता यहाँ भ्रामरी कहलाती है। राकिनी देवी आंध्र प्रदेश के कोटिलिंग शेवर मंदिर में माँ सती का गाल गिरा था, जहाँ राकिनी माता की पूजा की जाती है। देवी अम्बी माँ सती के बाएं पैर की उंगली राजस्थान के भरतपुर में गिरी थी, यहाँ पर माता सती को अम्बी नाम से पूजा जाता है। महाशिराद्रि ऐसा माना जाता है कि नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुजेश्वरी मंदिर में माँ सती के दोनों घुटने गिरे हैं। इस स्थान पर माँ का महाशिरा रूप की पूजा की जाती है। गंडकी चंडी मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल के पोखरा में गंडकी नदी के तट पर है। माना जाता है कि माँ सती का मस्तक इस जगह गिरा था, यहाँ माँ को गंडकी चंडी की तरह पूजा जाता है। जयदुर्गा कर्नाटक में स्थित इस मंदिर में माँ सती के दोनों कान गिरे थे, यह स्थान जयदुर्गा कहलाता है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ लारी तहलीस बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। माना जाता है कि इस जगह माँ सती का सिर गिरा था, यहाँ माँ को हिंगुल देवी कहते हैं। महिष मर्दिनी माता सती का नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। इस स्थान पर माना जाता है कि यहाँ माता सती के नयन गिरे थे, इस जगह पर माता की महिष मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। देवी अंबिका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माँ सती की जीप गिरी थी, यहाँ माता सती का अंबिका रूप पूजा जाता है। देवी महामाया माँ सती का गला कश्मीर के पहलगाम स्थित अमरनाथ में गिरा था, यहाँ देवी को महामाया कहा जाता है। त्रिपुर मालिनी माता सती का दाया वक्ष पंजाब के जालंधर में गिरा था, यहाँ देवी को त्रिपुर मालिनी के रूप में पूजा जाता है। माता अंबाजी देवी सती का हृदय गुजरात के अंबाजी मंदिर में गिरा था, इस स्थान पर माता को अंबाजी कहते हैं। माँ दाक्षायणी तिब्बत के पास कैलाश पर्वत पर माता सती का दाया हाथ गिरा था, यहाँ माता सती को दाक्षायणी के रूप में पूजा जाता है। देवी विमला माता सती की नाभि उड़ीसा में भुवनेश्वर में गिरी थी, आज माँ सती को विमला रूप में पूजा जाता है। त्रिपुर सुंदरी एक महिला मान्यता है कि माता सती का दाया पैर त्रिपुरा के माताब्धि शिखर उदयपुर में गिरा था, यही माता को त्रिपुर सुंदरी का नाम मिलता है। कामाख्या देवी असम के गुवाहाटी के कामगिरी में माता सती की योनि मंडल गिरा था, यहाँ कामाख्या देवी की पूजा करने के लिए कामाख्या मंदिर बनाया गया है। अगर आप जगत जननी माता दुर्गा की आराधना करते हैं और अगर आप माता दुर्गा जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय भवानी जय दुर्गा अथवा जय काली माता लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय लाभ सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों पंचांग प्रवचनों मान्यताओं धर्म ग्रंथों दंतकथाओं किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावन माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।